चलो आज आएंगे सभी बच्चे जल्दी से लाइव आएंगे, केडी लाइव के साथ जुड़ेंगे, जल्दी जल्दी आ जाओ सारे, स्टार्ट करेंगे अपनी 5 बजे वाली क्लास, फटाफट सारे बच्चे आएंगे केडी लाइव को ज्वाइन करेंगे, और कोई अगर नया जीव जंतु है चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, जल्दी से शेयर लाइक करना होता आपको, ठीक है सभी बच्चे शेयर लाइक जरूर करेंगे, लाइक शेयर तो आपका परम कर्तव्य है, ठीक है जल्दी से जुड़ो भाई, लाइक शेयर कर दो जल्दी जल्दी। और आपको पता है बच्चों हम क्या कर रहे हैं, तो जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि जो आपके प्रीवियस ईयर में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करने की हम कोशिश करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस करें जो हर बार रिपीट हुए हैं और बच्चों थोड़े लेवल के हैं, ठीक है। कल बहुत सारे बच्चों ने देखा था उनके बहुत सारे जो क्या थे क्वेश्चंस थे गलत गए थे, आज कोशिश करना कि आज गलत ना जाए, ठीक है। देखो मैंने क्वेश्चंस को कुछ इस तरीके से पीपीटी में सेट किए बच्चों कि जो पहले आपको 1 से लेके 10 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, वो थोड़ा सा उनका लेवल कम है, मतलब वो इजी है, ठीक है, फिर इजी टू मॉडरेट होता जाएगा मामला, ठीक है। तो जल्दी से बच्चे शेयर लाइक कर देंगे, यस गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए तो एक बार मैं फटाफट आपसे गुड इवनिंग कर लेती हूँ, आपके जो है नाम ले लेती हूँ, नाम लेने से बहुत खुश हो जाते हो, ठीक है, और लाइक करते चलेंगे, लाइक जरूर करेंगे साथ साथ। चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो सबसे पहले आज की क्लास की शुरुआत की जाएगी नीति से, गुड इवनिंग नीति, कैसी हैं आप, गुड इवनिंग। उसके बाद में कौन है, राजनाथ जी हैं, आवाज क्या है भाई आ रही है, ठीक है। उसके बाद पिंटू जी है, नमस्ते पिंटू कैसे हो, प्रदीप है गुड इवनिंग प्रदीप। उसके बाद में है कौन है जो है अर्षी सिंह है, कैसी हैं आप, कैसे हैं आप, दीपक जी हैं। चलिए तो देखो बहुत सारे मुझे रेगुलर बच्चा पार्टी यहाँ पे दिख रहे हैं, फटाफट सभी जुड़ेंगे, ठीक है जल्दी से जुड़ेंगे, यस गुड इवनिंग बच्चों गुड इवनिंग। चलिए हाँ जी ओके 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 ठीक है जी, ठीक है पिंटू जी, चलिए ठीक है करिश्मा आ जाओ। तो बच्चों देखो अगर हम बात करें तो आपको पता है क्लास बिल्कुल टाइम से आपकी शुरू हो गई है, 5 बजे की क्लास है, तो 5 बजे रोज आप आ जाया करें, और मुझे लगता है कल भी आपकी क्लास होगी अगर सब कुछ ठीक रहा तो, कल संडे है, कल भी मैं क्लास लूंगी 5 बजे ही लूंगी, ठीक है यही टाइम रहेगा, सेम टाइम सेम जगह, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेना, नोटिफिकेशन कई बार आती है कई बार नहीं आती, वो यूट्यूब के हाथ में होता हमारे हाथ में नहीं होता है, ओके। तो चलो स्टार्ट करें, सभी बच्चे रेडी है, रेडी है तो एक बार कमेंट करके बताएं कि मैम हम रेडी हैं, आप क्लास स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जितने बच्चे ऐसा चाहते हैं कि अभी आपकी क्लास फटाफट स्टार्ट कर दी जाए, आपके सामने आज का तड़कता भड़कता पहला क्वेश्चन आपको दिखाया जाए, तो जल्दी से बताओ पहला क्वेश्चन लाया जाए आपके सामने, चलिए जल्दी से बताएंगे फर्स्ट क्वेश्चन लाया जाए, यस विक्की। चलो नंदिता कहाँ थे आप, ठीक है आप पहले क्लास में आते थे, बीच में आप नहीं आते, ठीक है कहाँ चले गए हैं आप। चलो फिर स्टार्ट करें, चलिए यस रेडी। तो चलो आप रेडी है लाइक के साथ बताओ, लाइक के साथ बताओ मैम हम रेडी हैं, यहाँ फटाफट जितने बच्चे लाइव हैं उससे ज्यादा लाइक कर दो, ठीक है उससे ज्यादा लाइक कर दो, पता चल जाए कि हाँ तुम जो है दिल से चाहते हो कि पहला क्वेश्चन तुम्हें दिखाया जाए। तो पहला क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान से है, ठीक है। आपको पता है क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो दोनों जो है पार्टी के जो यहाँ पे लोग हैं इंग्लिश वाले भी हिंदी वाले भी रुक सकते हैं, आ जाइए, अंग्रेज भी रुक जाएंगे और जो अपने हिंदुस्तानी है वो भी रुक जाएंगे, आ जाओ। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी कट विद अ नाइफ, निम्न में से कौन सी ऐसी धातुएं हैं जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात मैंने कहा था कि पहले क्वेश्चन आपको थोड़े से इजी मिलेंगे, तो पहले वाले क्वेश्चन आपको इजी मिले हैं, धीरे धीरे मामला थोड़ा सा टफ होता जाएगा। तो देखो पहले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कौन सी ऐसी मेटल्स हैं, ठीक है बच्चों, जो क्या है बच्चों जिसे आप नाइफ से कट कर सकते हैं, तो जल्दी से बताओ कौन कौन सा है, लिथियम सिल्वर पोटेशियम। तो ऐसा कौन सा मूर्ख बच्चा है जो कहेगा चांदी को वो किससे कट कर सकता है, चाकू से कभी नहीं कट कर सकते, ठीक है। उसके बाद में है लिथियम सोडियम कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट आपका होता है लाइमस्टोन, ठीक है, क्या होता है लाइमस्टोन होता है बच्चों, चूना पत्थर होता है, तो बताओ पत्थर को तुम काट पाओगे चाकू से, नहीं काट सकते, ये ऑप्शन भी गलत गया। सी ऑप्शन के साथ कितने बच्चे खेल रहे हैं, सी ऑप्शन के साथ लिथियम सोडियम पोटेशियम, यस यू आर राइट, लिथियम सोडियम पोटेशियम इज द मेटल जिसे आप क्या कर सकते हैं, विच कैन कट विद अ नाइफ, ठीक है, जिसे आप जो है नाइफ के साथ कट कर सकते हैं। लिथियम की बात की जाए, सोडियम की बात की जाए, पोटेशियम की बात की जाए, ठीक है। अगर हम बात करें मैम जो सोडियम और पोटेशियम है, पोटेशियम बच्चों आप सब जानते हो इसका उपयोग आप फर्टिलाइजर, ठीक है, फर्टिलाइजर बनाने के लिए यानी उर्वरक बनाने के लिए करते हैं, इसका उपयोग आप उर्वरक बनाने के लिए करते हैं, और किस लिए करते हैं, तो याद रखना बच्चों पोटेशियम का उपयोग आप विस्फोटक, विस्फोटक बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव,
ठीक है, विस्फोटक बनाने के लिए, गन पाउडर वगैरह बनाने के लिए आप किसका, आप जो है पोटेशियम का प्रयोग करेंगे। और बच्चों याद रखना, जो सोडियम और पोटेशियम है ना, ये हाईली रिएक्टिव मेटल होती है। कहने का मतलब बच्चों, अगर इन्हें आप क्या करते हैं, अगर आप इन्हें एयर में रख देते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप इन्हें ओपन रख देते हैं, एयर में रख देते हैं, तो वहां पर ये आग लगा देंगे। ठीक है, ये एयर से रिएक्ट करके वहां पे आग लगा देती है। इसलिए मैम फिर इन्हें कहाँ रखें, फिर इन्हें रखो केरोसिन ऑयल में। ठीक है, इसीलिए आपके जो आपकी क्या है सोडियम और पोटेशियम है, इन्हें केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। डन हो गया, चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, कहाँ पाई जाती है लिथियम सोडियम और पोटेशियम, तो हेलिना की रफ से फरियाद, ठीक है, ग्रुप नंबर वन में पाई जाती है। कहाँ पे, ग्रुप नंबर वन में पाई जाती है, एफ ब्लॉक के ग्रुप नंबर वन में पाई जाती है। मैम इनकी वैलेंसी कितनी होती है, तो वैलेंसी यानी संयोजकता इनकी होती है +1। ठीक है, इन्हें स्टेबल होना है तो ये क्या करेंगे, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। डन मामला, यस। चलिए, हाय मनीषा, अच्छा जी पहले पढ़ लो, मनीषा से दोस्ती बाद में कर लेना, भरत मिला। आ जाओ नेक्स्ट, आपसे कहा जा रहा, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध होता है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इन सेमीकंडक्टर्स इज, आपसे पूछा जा रहा, परम शून्य तापमान पर जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनका रेजिस्टेंस क्या होगा। अब अगर हम बात करें मैम रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर हम बात करें रेजिस्टेंस क्या होता है, ये रहा अपना रास्ता, ये रहा अपना रोड। ठीक है, रोड पर चल रही हमारी गाड़ी, ध्यान से सुनना, ठीक है, और इसमें किसे बैठा दिया जाए, कोई सा भी तुम में से बैठा हुआ है, चलो विक्रम को बैठा देते हैं, कुछ बोलते नहीं है, आज तक कुछ नहीं बोला, बस आंसर ही देते हैं, गुड इवनिंग या बाय, कुछ नहीं। ठीक है, जब आता है तो कभी मैंने नहीं देखा कि ये गुड इवनिंग करता हो, और जब जाता है कभी नहीं देखा कि इसने बाय भी कहा हो आज तक। ठीक है, या किसी से हाय हेलो कभी नहीं करता है, बस आंसर देता है, तो चुपचाप बैठा है, गाड़ी में जा रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों, ये गाड़ी से अपना आराम से जा रहा था, यहां पर एक ब्रेकर है। ठीक है, तो याद रखना, ये जो यहाँ पर रास्ता है, ये क्या है, ये वायर है, ये तार है। ठीक है, गाड़ी यहाँ पर क्या है, करंट है। ठीक है, यानी विद्युत धारा है, और ये ब्रेकर क्या है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि परम शून्य तापमान पर जो इसका रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। तो देखो बच्चों, होता क्या है कि अगर हम बात करें, आप अगर मेटल की बात करिए या आप कंडक्टर की बात करिए, ठीक है, कंडक्टर की अगर हम बात करें बच्चों, तो कंडक्टर के साथ होता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर की बात करें, बच्चों, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा। अब एब्सोल्यूट जीरो का टेम्परेचर का मतलब बच्चों, बहुत कम तापमान, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कौन नहीं जानता है, जीरो केल्विन इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये ओके नहीं लिखा है, कोई सा इसे ओके नहीं पड़ेगा, ये जीरो केल्विन है, जीरो केल्विन इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, और जीरो केल्विन बराबर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस के, 0.15 ना भी लगाओ तो लिख लेना डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये मामला डन हो गया। अब बच्चों जीरो केल्विन तापमान, माइनस में, माइनस डिग्री सेल्सियस में तापमान है, यानी तापमान वहां पर बहुत कम है, तापमान अगर बहुत ही ज्यादा कम है तो बच्चों वहां पर क्या हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वहां पर हाई हो जाएगा। ठीक है, और उससे अगर हम बात करें, जीरो केल्विन टेम्परेचर इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, इसका मतलब यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। डन, चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, एक बार आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चन आया, ऐसा कौन सा तापमान है जहां पर जो एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट होना ही बंद कर देंगे, तो याद रखना जीरो केल्विन पे बच्चों, जो आपके किसी भी नॉन लिविंग थिंग के क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, वो वाइब्रेट करना ही बंद कर देते हैं। ठीक है, परमाणु क्या होंगे, परमाणु कंपन करना ही बंद कर देंगे, किस पे, जीरो केल्विन पे। ठीक है, डन, चलिए आगे चलते हैं, आ जाओ भाई जल्दी जल्दी। आगे पूछा जा रहा है, कवक वो पौधे हैं जिसमें कमी है, फंगी आर द प्लांट्स दैट लैक, आपसे क्या पूछा जा रहा है, अच्छे से पढ़िए कि कवक बताओ कौन से पौधे हैं, कवक में किस चीज की कमी पाई जाती है। पहली बात आप कहेंगे मैम कवक पौधे हैं क्या, बच्चे याद रखो कवक को हम प्लांट में काउंट नहीं करते हैं, पर आपका जब क्या हुआ था, टू
टू किंगडम बना था, ठीक है, जब आपका टू एनिमल किंगडम बना था, है ना, कहने का मतलब है टू एनिमल किंगडम, ठीक है, कहने का मतलब बच्चों कि जब आपने बस दो दो चीजों में लोग जो है लिविंग को डिवाइड किया था, एक तो एनिमल और एक प्लांटाइल, तो जो फंगी है उसे प्लांटाइल में ही रखा गया था, बाद में इसे अलग कर दिया गया, क्यों, क्योंकि उसमें किस चीज की कमी थी, जल्दी से बताएंगे किस चीज की कमी थी, हाँ किस चीज की कमी थी, हाँ तो बच्चों क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, हरित लवक नहीं पाया जाएगा बच्चों, तो ये मामला डन है कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, यानी ये क्या है, ये इसको आप लिख सकते हैं कि ये जो है आपके क्या है, परपोषी है, ठीक है, जैसे कि आप परपोषी होते हैं मतलब मनुष्य, ठीक है, प्लांट्स तो क्या है, प्लांट्स बच्चों स्वपोषी है, ये अपना खाना बना सकते हैं, लेकिन जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता वो क्या है, वो परपोषी है, तो कवक भी क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। अब जल्दी से इसी बात पे मुझे बता दो, इस क्वेश्चन का आंसर तो सी हो गया, अब जल्दी से बताओ क्या फंगी में सेल वॉल पाई जाती है, हां जी मैम फंगी में सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है, जो आपके क्या होते हैं कवक है, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है, क्या पाई जाएगी, कोशिका भित्ति पाई जाएगी, जल्दी से बताएंगे सेल वॉल की कोशिका भित्ति किससे बनी है, जल्दी बताओ सेल वॉल की कोशिका जो है, क्या पूछा है, फंगी की सेल वॉल किसकी बनी होती है, जल्दी बताइए फंगी की सेल वॉल किससे बनी होती है, जल्दी से बताइए, स्टडी ऑफ फंगी, ठीक है, फंगी की स्टडी को आप क्या कहते हैं, जल्दी से बताएंगे फंगी की स्टडी को आप क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, दो क्वेश्चन है मेरा, सभी बताएंगे, विवेक कुमार कह रहे हैं जी मैम नहीं आंसर दो, मैं पूछ रही हूं, चलो अश्विन ने आंसर दिया है काइटिन, विक्रम ने भी दिया है, चलिए पिंटू ने भी दिया है काइटिन, चलिए बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है काइटिन काइटिन, ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो आपकी काइटिन की बनी होती है, और अगर हम बात करें बच्चों तो इसकी स्टडी को हम कहते हैं माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी कैसे याद रखोगे, याद रखना कि फंगी का मायका, ठीक है, ऐसे करके याद रखना, फंगी का मायका यानी माइकोलॉजी, और अगर यही हम एल्गी की बात करें, अब फंगी आया है तो एल्गी तो पढ़ना ही पड़ेगा, शैवाल की बात कर ले तो शैवाल की स्टडी को हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी, ठीक है, फाइकोलॉजी, सारी बातें याद रखेंगे, डन, ओके, तो याद रखेंगे ये सारी बातें, आ जाइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा किस धातु के क्षरण से उसका रंग हरा हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू कोरोजन ऑफ व्हिच मेटल इट्स कलर टर्न्स ग्रीन, बताओ भाई किस, कौन सी, देखो कोरोजन का मतलब है खराब होना, बिल्कुल सीधी सी लैंग्वेज में समझो, अगर कोई मेटल खराब हो रही है बच्चों तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, संक्षरण हो रहा है, यानी उसका कोरोजन हो रहा है, ठीक है, तो कोई मेटल अगर खराब हो रही है, आपसे पूछा जा रहा है लोहा, आयरन इज अ मेटल, कॉपर, सिल्वर, ये सारी एक मेटल है, अगर ये खराब हो रही है, ठीक है बच्चों, तो पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा है जो खराब होके हरे कलर की हो जाएंगे, जिसका रंग खराब होके हरा हो जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कॉपर, बी ऑप्शन, कॉपर कॉपर कॉपर, तो देखो बच्चों लोहा जो है अगर ये क्या होगा, ये खराब होगा तो याद रखना इसमें जंग लग जाता है, रस्ट, ठीक है, इसका कलर कैसा हो जाएगा, तो आपको याद रखना रेड हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ओके, अब कॉपर, तो कॉपर में अगर जंग लग रहा बच्चों तो याद रखना इसका रंग हो जाएगा ग्रीन, ठीक है, हरा, तो यही आपके क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे जितने बच्चों ने कॉपर तांबा आंसर किया उनका सही है, सिल्वर की बात करें बच्चों तो सिल्वर अगर यहाँ पर रिएक्ट करता है तो इसका क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है काली, ठीक है, सिल्वर जो है ये ब्लैक हो जाती है, ठीक है, चांदी आपकी ब्लैक हो जाती है, आपको याद रखना है, और गोल्ड, गोल्ड बताओ गोल्ड का कलर कैसा हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, अगर यहाँ पर गोल्ड का कोरोजन होगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, जल्दी बताओ, गोल्ड का अगर यहाँ पर संक्षरण होता है तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, जल्दी से आंसर करेंगे, अगर गोल्ड का संक्षरण होता है तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, तो याद रखना बच्चों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ अरे नॉन रिएक्टिव है गोल्ड, क्या है, मैंने जब आपको क्या पढ़ाया था, मेटल पढ़ाया था, तो कहा था कि गोल्ड को मान के चलो ये साधु है, ठीक है, साधु क्या करते हैं, किसी की तरफ नहीं देखते, ठीक है, कितनी भी सुंदर कन्या हो उसकी साइड नहीं देखते हैं, तो आपको ऐसे करके याद रखना है कि गोल्ड एक साधु है, ठीक, किसी की साइड नहीं देखेगा, किसी से रिएक्ट नहीं करता है, तो ऐसे करके आपको याद रखना है, यस नो रिएक्ट गोल्ड, यस वेरी गुड विक्रम, यू आर राइट, आपको याद रखना है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है कॉपर, यस बिल्कुल ठीक आंसर है,
आ जाओ। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा भोजन के निर्माण में कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, बताओ, जब फोटोसिंथेसिस होता, सीधा आपसे ही पूछा जा रहा है, जब फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस होता है बच्चों, तो कौन सा जो है प्रोडक्ट है जो आपको प्राप्त नहीं होगा, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल ऑफ द, क्या आंसर आएगा जल्दी से। हाँ चलिए 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 चलिए, हाँ यस, वेरी गुड। चलिए शंकर पहले पढ़ लो, नंदिता से बाद में पूछना कि वो कहां से हैं। हाँ जाना है क्या घर पे उनके, बताओ। तो अगर हम बात करें बच्चों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, आप सब जानते हो CO2 लेता है प्लांट, CO2 लेते हैं, ठीक है, नीचे से H2O लेंगे और फिर सनलाइट में, सनलाइट की प्रेजेंस में इनके पास होता है क्लोरोफिल, इनके पास क्या होता है क्लोरोफिल, और इसी से क्या करते हैं बनाते हैं बच्चों, क्या बनाएंगे, O2 बनाते हैं, ठीक है, H2O बनाते हैं और अपना ग्लूकोज बनाते हैं। तो क्या नहीं बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना रहे, सी ऑप्शन आपका सही जाएगा, यहां पर सी ऑप्शन आपका सही जाएगा, क्या नहीं बना रहे, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 नहीं बना रहे, बिल्कुल। चलो जी, इस क्वेश्चन का आंसर तो कर दिया आपने, अब इसका बताओ कौन सा है जो बिल्कुल ठीक मैच नहीं कर रहा है, बताएंगे कौन सा है जो ठीक मैच नहीं कर रहा है, सिरका यानी वेनेगर लिख लेंगे इसे, ठीक है, ये आपका सिरका है ना, वेनेगर। चलो जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, हाँ जी, क्या आंसर आएगा, बहुत अच्छा, जल्दी से बताएंगे कौन सा है जो बिल्कुल ठीक मैच नहीं कर रहा है, ये सिरके का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, वेनेगर का, ड्राई आइस, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हाँ जी, क्या आंसर सही है। चलिए फरीन खान है, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर कौन सा आंसर सही नहीं है, तो बच्चों यहाँ पर आप सब जानते हैं, अगर हम बात करें बेकिंग सोडा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसे बच्चों हम कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम, ठीक है, क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो यह बात भी बिल्कुल सही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या जिसे बच्चों हम क्या कहते हैं, एंटा एसिड कहते हैं, ठीक है, जब आपको एसिडिटी हो जाती है, जब आपको एसिडिटी हो जाती है बच्चों, तो एसिडिटी रिमूव करने के लिए आप ठंडी ठंडी डाइजीन पीते हैं या इनो पीते हैं, उसमें क्या होता है, यही होता है, ठीक है, चाहे आप डाइजीन पीते हैं या आप इनो पीते हैं, उसमें आपका क्या होता है, उसमें आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। लेकिन जो ये ड्राई आइस है, ड्राई आइस हम किसे कहते हैं, ड्राई आइस बच्चों हम कहते हैं सॉलिड CO2, ठीक है, सॉलिड CO2 को हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका ये D2O है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये आपका क्या है, तो बच्चों ये आपका हैवी वाटर है, ठीक है, भारी जल है, ये आपका भारी जल है, ठीक है, जिसे कहाँ यूज करते हैं, जिसे मंत्र की तरह, मॉडरेटर की तरह कहाँ यूज करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है जी। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है, ड्राई आइस, यहाँ ड्राई आइस था तो यहाँ इसे लिखना था सॉलिड CO2, यहाँ पे इसे लिखना था सॉलिड CO2, तो बी आपका सही मैच नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर बी आपका सही मैच नहीं कर रहा है। भारी जल, यस, जो यहाँ पर ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, ये आपका भारी जल है, बिल्कुल ठीक बताए हैं, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। चलिए जी, ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बताओ, फलों के परीक्षण में जो है, इनमें से कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है, जो आपके फ्रूट्स हैं, ठीक है, उनको उनको सुरक्षित रखने के लिए आप कौन से रसायन का यूज करेंगे, यही आपसे बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, हाँ जी जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आपसे कहा जा रहा है जो फ्रूट्स हैं, ठीक है, उनको प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, उनके प्रिजर्वेशन में या उनको सुरक्षित रखने के लिए आप नाइट्रस ऑक्साइड का, सोडियम बेंजोएट का, क्लोरोफॉर्म का, या सल्फ्यूरिक एसिड किसका प्रयोग करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से। एक कह रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, अरे भाई सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होता है बच्चों आपका H2SO4, इसको देखते ही ना सीधा भागो एसिड रेन के पास, ठीक है, एसिड रेन में होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड, आपका एसिड रेन में होता है, सल्फ्यूरिक एसिड आपका बैटरी में होता है, ठीक है, बैटरी एसिड कहते हैं इसे,
नाइट्रस ऑक्साइड, कुछ बच्चे यहाँ हमेशा हंसते रहते हैं, लगता है यही जो है सूंघ के रखते हैं। ये अगर हम बात करें बच्चों तो ये हंसाने की गैस है आपकी, ठीक है, अगर आप हंसते रहते हैं, लाफिंग गैस है। क्लोरोफॉर्म, अगर आपको बेहोश करना है, ठीक है, अगर आपको बेहोश करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लोरोफॉर्म दिया जाता है, बेहोशी करने के काम में आएगा। जो क्लोरोफॉर्म है ये किसके काम में आता है, ये आपको बेहोश करने के काम आता है। यहाँ पर अगर हम बात करें बी ऑप्शन, बी कितने बच्चों ने बताया यहाँ पर, परीन, कुंदन, ठीक है, सनी, शोभा, चलो ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो वहां पर किसका यूज करते हैं, वहां पर जो है सोडियम बेंजोएट। जल्दी से इसका फॉर्मूला लिख दो, जल्दी से आप सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला भी लिख देंगे, जल्दी से इसका फॉर्मूला लिख दीजिए। आपको पता है कई सारे क्वेश्चन आपके फॉर्मूले से बनते हैं, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फटाफट बताएंगे, जल्दी जल्दी इसका फॉर्मूला बताएंगे, सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला बता देंगे जल्दी से। यस, चलिए ठीक है, ओके ओके, क्या हो जाएगा भाई इसका फॉर्मूला, जल्दी से सभी बताएंगे। अशी सिंह ने बताया है थोड़ा सा, चलो और कोई किसी ने, चलिए अंजलि आप अपना ध्यान रखें, ठीक है, थोड़ा सा इस टाइम चल रहा है वायरल, अपना ध्यान रखो। C7H5N ने O2, बिल्कुल सही है ये वाला आपका, ठीक है, C7H5N ने O2, ये आपका, ये वाला फॉर्मूला आपका सही है, ठीक है। किसी बच्चे ने बताया था, उसने थोड़ा सा जो है कर दिया था मिस्टेक, चलो ठीक है, आ जाइए। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र, देखो इसीलिए मैं आपसे फॉर्मूला पूछती हूँ, ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है, सीधा इसमें कुछ नहीं, इसमें बस आपसे केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा है अमोनियम सल्फेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट का आपसे क्या पूछ रहा है, केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा है। कैसे निकालोगे अमोनियम, अमोनियम को लिखो NH4, ठीक है, सल्फेट की लिखो SO2, NH4 पे आपको पता है प्लस चार्ज आता है, SO2 पे माइनस टू आता है, ठीक है, यहाँ पे कितना आया है, यहाँ पे आया है आपका दो, और यहाँ पे क्या आया है, एक आया है, तो आप प्लस एक लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्रॉस कर दो, कैसे करोगे, NH4, ठीक है, टू, यहाँ इसके पावर टू था तो इसके पैरों में टू लगा दो, ठीक है, उसके बाद में आपका SO2 है, इसके पावर कितना था, एक था, इसके पैरों में एक लगाओ, नहीं लगाओ बात सही है। तो ये देखो ये वाला कहाँ लिखा है, ये वाला किससे मैच कर रहा है, ये नहीं, ये नहीं, हाँ, तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा, यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा जो है कौन सा ऑप्शन, हाँ यहां पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यस ठीक है। ठीक, तो यहां पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है जी, डन। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, ठीक है, हिस्टोलॉजी कौन है भाई, हिस्टोलॉजी क्या है, आप सब जानते हैं कि हिस्टोलॉजी में आप क्या करते हैं, टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उत्तक के बारे में इसमें आप पढ़ते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है इसके फादर कौन है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। देखो कुछ फादर है जो आपको याद रखना है, जैसे बॉटनी के फादर है थियोफ्रेस्टिस, ठीक है, जेनेटिक्स के फादर है आपके, जेनेटिक्स के फादर कौन है आपके, मेंडल जी, ठीक है, जूलॉजी के एरिस्टोटल, बॉटनी के थियोफ्रेस्टिस हो गए, ठीक है, या आपके बायोलॉजी के एरिस्टोटल हो गए, या मैं कहूँ आपके जो है उस माइक्रोबायोलॉजी के आपके कौन से हो जाएंगे, एंटोनी ल्यूवेनहॉक, या आपके मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के कौन हो जाएंगे, लुइस पास्चर। वैसे ही यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हिस्टोलॉजी के कौन से है, तो बाइकेट, बाइकेट यहाँ पर आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन बाइकेट, हाँ जी बाइकेट आपके हिस्टोलॉजी के फादर माने जाते हैं। चलिए तो दो चार, मतलब दो चार क्या, दस तो याद रखो, देखो आपको हमेशा याद रखना, दस तो ऐसे याद करके रखो कि भाई जो है इनमें से क्या पता एक आ ही जाए, तो हमेशा आप कोई भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी पढ़ो, तो दस दस सब में से याद कर लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लिख के आप अपने सामने लगा सकते हैं। मैंने हमेशा ही कहा कि आपको कुछ भी याद रखना तो आप उसे बार बार देखिए, ठीक है, आपको कुछ भी याद रखना तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप उसे बार बार देखिए, ठीक है, और किसी को भूलना है तो एक ही ऑप्शन है, उसे देखो ही मत, है ना, आ जाओ। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, माइकोप्लाज्मा और जो है मिथेनोजन दोनों ही बैक्टीरिया है, इसमें सिमिलरिटी क्या है, ठीक है, दो बैक्टीरिया आपके पास मिथेनोजन और माइकोप्लाज्मा, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, ये आपसे पूछा जा रहा है,
पढ़िए, ठीक है? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। देखो मैंने कहा था कि 10 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन के बाद आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। अब वही लेवल है, आराम से पढ़ना है, ठीक है, और आंसर करने की कोशिश करिए, ठीक है, जल्दी से। जल्दी से बताएंगे, यस, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि भाई क्या है कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है, तो आपको पता है माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम अगर बात करें बच्चों, तो प्रेजेंस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जाएगा कि दोनों में ही क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों, जो रेस्पिरेशन, जो श्वसन जो है क्या हो जाए, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो जाए, ऐसा रेस्पिरेशन जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है बच्चों, ऐसे रेस्पिरेशन को हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। कहाँ कहाँ होता है, बैक्टीरिया में होता है, ठीक है, आपकी मसल्स में होता है, और कहाँ होता है बच्चों, जो क्या होता है फर्मेंटेशन होता है वहां पे भी यही होता है, ठीक है, जिससे शराब बनाई जाती है, अल्कोहल बनाई जाती है, ठीक है। अब हम अगर बात करें बच्चों, कहा जा रहा है कि प्रेजेंस ऑफ फ्लैजला, मैम फ्लैजला क्या है, तो बच्चों इन दोनों में फ्लैजला नहीं पाया जाता है, यही ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो ये पूंछ होती है बच्चों, इसी पूंछ को ही क्या कहा जाता है, फ्लैजला कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि फ्लैजला आपके जो है इनमें नहीं पाई जाती है, ना तो माइकोप्लाज्मा ना आपका इसमें, इन दोनों में बच्चों क्या होती है, आपकी फ्लैजला नहीं पाई जाती है। तो यहां लिखा प्रेजेंट, यहां इसे लिखना था एब्सेंट, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत है, यस। तो यहां पे सही ऑप्शन आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसको देखो मैच करना है, देखो ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत मजा आता है, ठीक है, ये कैसे क्वेश्चन होते हैं, बस एक क्वेश्चन में आप चार कर सकते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आप भाई एक क्वेश्चन में चार क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन में चार क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। देखो आप सब जानते हैं, सबसे पहले अर्थवर्म को उठाओ, ये क्या है, किसान का मित्र है, ठीक है, कहां से सांस लेगा, स्किन से लेगा, ठीक है, कॉकरोच कहां से लेगा, तो ये अपने जो है ये कहां से लेगा, इसमें जो पाइप्स होती हैं, ठीक है, जो स्टोमेटा होता है वहां से लेगा। मछली यहाँ पे गिल से ले लेगी। डॉल्फिन आप सब जानते हैं ये एक मैमल है, ठीक है, ये एक क्या है, मैमल है बच्चों, तो ये कहां से लेगा, तो ये बच्चों आपको पता है लंग्स से, ठीक है, कहां से लेगी, लंग्स से लेगी, लेकिन यहाँ जो है स्किन और क्लोन है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ये सही मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है, ओके। चलिए आ जाइए, ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा है जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है, जल्दी से बताओ कौन सा है बच्चों कि आपका यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन माना जाएगा। रिफ्लेक्स एक्शन अगर हम बात करें बच्चों, कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कोड, ठीक है, स्पाइनल कोड जो है आपके जिसे मेरुरज्जु कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं, शायद ऐसे ही कुछ लिखेंगे, है ना, मेरुरज्जु। तो बच्चों जो मेरुरज्जु होता है तो वही क्या करता है, आपके रिफ्लेक्स एक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो पूछा जाए कौन सा जो है क्रिया है जो क्या है, जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है, कहने का मतलब भोजन देखकर लार टपकना, ठीक है, जैसे तुम क्या करते हो, मोमोज देखा और लार टपका दिया, है ना, नींद का आना, आसन में बैठना, ठीक है, या बच्चों कूदना और आपका दौड़ना, क्या ऑप्शन सही जाएगा, क्या ऑप्शन सही जाएगा। तो बच्चों देखो आपको पता है कि जो क्या हो जाए, जो खुद से ही हो जाए, मतलब वो आप नहीं करते हो, कहने का मतलब है जैसे जब आप अचानक से अंधेरे से धूप में जाना, ठीक है, अभी मैं ये लाइट है या मैं अंधेरे से आई होती, यहाँ बहुत ज्यादा लाइट है, तो अंधेरे से आती तो जो मेरी प्यूपिल है, ठीक है, जो पुतली है आंखों की, वो अपने आप क्या होती है, क्लोज हो जाती है, ठीक है, या आप अंधेरे से धूप में जाते हो अपने आप क्लोज हो जाती है, ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन कर रहा है, ठीक है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, मान लो आपके पैर में कांटा चुभ गया, तो हमें क्या होगा, जैसे ही कांटा आपके पैर में चुभता है आप फटाफट पैर ऊपर उठा लेंगे, क्यों, वो जो है अपने आप से हुआ, वो रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है, आग में हाथ डाला अपने आप खींच लिया, तो ये सब आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है। अब हम बात करें नींद आना, नींद कौन लाता है, तो आप सब जानते हैं एक मेलाटोनिन है, मेलाटोनिन एक आपका हार्मोन है बच्चों, जो कहां से निकलता है,
पिनियल ग्लैंड से निकलता है वही कंट्रोल करता है। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही था। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक था। यस, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए सही था। चलो भाई नेक्स्ट बताओ, आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में हॉर्मोन कौन सा है जो कैल्शियम और फॉस्फेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा हॉर्मोन है जो आपकी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों को रेगुलेट कर रहा है। यस, बताइए बताइए भाई, ग्लूकागॉन है, ग्रोथ हार्मोन है, या आपका पैराथायराइड हार्मोन है, या आपका थायरोक्सिन हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है जो आपके ब्लड में है ना, आपके ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को क्या कर रहा है, आपके जो है ब्लड में रेगुलेट कर रहा है यानी नियंत्रित कर रहा है। यस, जल्दी से बताएंगे। हाँ जी, पैराथायराइड हार्मोन। यस बच्चों, अगर हम बात करें पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन कहां से निकलता है, तो देखो आपके गले में, ठीक है, आपके जो है गले में क्या होता है बच्चों, इस तरीके से आपके थ्रोट में, आपके गले में इस तरीके से ग्लैंड पाई जाती है एक बटरफ्लाई शेप की, ठीक है, और इसी में बच्चों ये देखो, ये जो आपको दो, ठीक है, यानी दो पेयर, ठीक है, टू पेयर आपकी कौन सी पाई जा रही है, आपकी पैराथायरॉइड, आपकी ग्लैंड पाई जाती है जो दो पेयर होती है। तो अगर पूछे कि पैराथायरॉइड जो ग्लैंड है वो कितनी होती है उसकी संख्या, तो याद रखना संख्या चार होती है, जोड़ी भी कितनी होती है, दो, ठीक है, कहाँ पाई जाती है, गले में, कौन सा हार्मोन निकालती है, पैराथायरॉइड, ठीक है, ओके डन। तो यहां पर देखो, यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर सही है, पैराथायरॉइड हार्मोन कहां से निकलता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड से। ग्लूकागॉन कहां से निकलेगा, पैनक्रियाज से, ठीक है, कहां से निकलेगा, अग्नाशय से, कहां से, अग्नाशय से। वृद्धि हार्मोन आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से ये निकलेगा, ठीक है, ये आपकी पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि से निकलेगा। थायरोक्सिन कहां से निकलेगा, आपकी थायरॉइड ग्लैंड से आपका थायरोक्सिन निकलेगा। ओके, सभी का क्लियर हुआ मामला। चलिए, मेरा कमेंट आ रहा है ना, हाँ हाँ जी हाँ जी, आपका आ रहा है, आ जाओ। नेक्स्ट आपसे पूछा, अभी थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ मैं क्वेश्चंस ज्यादा करा दूं, क्योंकि कल मैंने देखा था, कल जो है हमने बहुत कम क्वेश्चंस करे थे, शायद 20 या ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस कर पाए थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस कराऊं, इसलिए मैं आज बातें बहुत कम कर रही हूँ आपसे, ताकि मैं क्वेश्चंस ज्यादा करा पाऊं। ओके, आ जाओ, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, पौधों में होने वाले अधिकांश रोग जैसे गेहूं में रस्ट रोग, पाउडरी मिल्ड्यू या ब्लाइट रोग आदि का कारण क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो गेहूं में कई बार रस्ट हो जाता है, ठीक है, ब्लाइट डिसीज हो जाता है, तो आपसे पूछा जा रहा है इनका कारण क्या है, वो किसी बैक्टीरिया से हो रहा है, किसी विषाणु से हो रहा है, किसी फंगस से हो रहा है, या कोई पैरासाइट वॉर्म है यानी परजीवी जो है कोई कीड़ा है उससे हो रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। हाँ जी, एक बच्चे का आंसर आया है वायरस और दूसरे बच्चे का आंसर आया है कि फंगस। चलिए ठीक है, ठीक है, चलो सी ऑप्शन, फंगस से हो रहा है। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि रस्ट डिसीज किसके कारण होता है, तो ये आपका होता है पक्सीनिया के कारण, ठीक है, ये आपका पक्सीनिया के कारण होता है, ठीक है, पक्सीनिया के कारण होता है, किसके कारण होता है, पक्सीनिया के कारण होता है, और ये क्या है, ये एक फंगस है, ठीक है, ये क्या है, एक फंगस है, एक कवक है। अब अगर हम बात करें कि आपका पाउडरी मिल्ड्यू किसके कारण होता है, तो ये भी जो है एक फंगस के कारण होता है, जिसका नाम क्या होता है आपका, जिसका नाम होता है पोडोस्फेरा, ठीक है, जिसका नाम होता है पोडोस्फेरा। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करें मैम ब्लाइट डिसीज किसके कारण होता है, तो बच्चों ये भी एक जो है फंगस के कारण ही होता है, और जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हेल्मिंथो स्पोरियम, ठीक है, हेल्मिंथो स्पोरियम नाम का, ये क्या है मैम, ये भी एक फंगस है, ठीक है, ये क्या है, ये भी एक कवक है। तो आपको याद रखना है ये सारे ही रोग आपके जो है अलग अलग कवक के कारण है, अलग अलग फंगस के कारण हो रहे हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जाएगा, किसके कारण हो रहे हैं, फंगस के कारण हो रहे हैं। ये तीनों जो मैंने लिखा है आपका, ठीक है, चाहे पक्सीनिया, पोडोस्फेरा या आपका हेलिमिंथो स्पोरियम, ये सब आपके क्या है बच्चों, ये सब आपके फंगस हैं, जो क्या कर रहे हैं, जो प्लांट डिसीज कर रहे हैं, ठीक है, पौधों को भी रोग होता है, ठीक है, पौधों में भी रोग होता है। यस, कई बच्चों को ऐसा लगता है
कि क्या पौधों में भी रोग होता है? यस, पौधों को भी रोग होता है। आ जाइए, तो यहां पर आपका फंगस यानी कवक बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। आगे चलो, आगे आपसे पूछा जा रहा है, विश्व के महासागरों में पाई जाने वाली मूंगे की चट्टान का निर्माण कौन से फाइलम के जीव के कारण होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जब मैंने आपको एनिमल किंगडम पढ़ाया था, ठीक है बच्चों, मैंने हमेशा कहा था कि एनिमल किंगडम पढ़ लेना, क्योंकि एनिमल किंगडम से, देखो एनिमल किंगडम थोड़ा सा टफ है ना, उसमें याद करने वाली चीजें ज्यादा है और उसमें थोड़ा इंटरेस्ट कम आता है, तो टीचर भी सोचते हैं वो ना पढ़ाया जाए और बच्चे भी सोचते हैं ये ना पढ़ना पड़े, लेकिन वो आप पढ़े, क्योंकि वहां से देखो ये प्रीवियस ईयर मैंने सब कहा है, प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे गए हैं वही आज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो देखो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं और इसका आंसर आप कर सकते हैं। बताइए, बताएंगे एक बार क्या आंसर सही है। विक्रम ने कहा है पॉरीफेरा, चल उसके बाद में अशु भी पॉरीफेरा, ओके अंजलि भी, चलिए। तो देखो एक बच्चे ने पॉरीफेरा कह दिया, आप सब पॉरीफेरा पॉरीफेरा, अरे इतना जो है पिटोगे। निडीरिया बच्चों, निडीरिया जो निडीरिया फाइलम के जीव है, ठीक है, जो निडीरिया फाइलम के जीव है, जैसे ये आपका निडीरिया फाइलम का जीव हो गया, जैसे मूंगे की चट्टान आपके अगर हम बात करें तो बच्चों ये क्या होते हैं, जो निडीरिया फाइलम के जीव होते हैं ना, आपको याद रखना है कि इनका जो क्या होता है, इनका जो स्केलेटल होता है, ठीक है, इनका जो कंकाल होता है वो किसका बना होता है, वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। तो मरने के बाद ऐसे बहुत सारे जो है ऐसे चट्टाने यहां पर इनके कैल्शियम कार्बोनेट के कारण बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे निडीरिया, ठीक है, जेलीफिश आपकी निडीरिया में आती है, हाइड्रा आपका निडीरिया में आता है। चलो अब इसको पढ़ो, यहाँ पूछा गया है कौन सा जो है स्टेटमेंट है जो प्लांट्स के बारे में झूठा है यानी असत्य है, ओके। आपसे कहा जा रहा है ये स्वपोषी होते हैं, भाई बिल्कुल सही है, जो है एट्रोट्रॉफिक होते हैं, बिल्कुल ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता है, बिल्कुल ठीक है, यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, इनमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है ना। उसके बाद में कहा जा रहा है कि इसका जो है क्या है, इसमें जो है इसमें प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं, 20 से 40% होते हैं। ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म कितने होते हैं तो आप सब जानते हो बच्चों, 70 से लेकर 90% में ये आपका द्रव फैला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सी ऑप्शन बस आपका गलत है, तो सी के साथ जाएंगे, ओनली सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, है ना, बस सी वाला गलत है, यस ठीक है, डन, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बताओ, आपसे पूछा जा रहा है कि केचुआ और जोक, ठीक है, इन दोनों का लीच और अर्थवॉर्म यहाँ पे आपको दिया गया है, इन दोनों का आपको साइंटिफिक नेम बताना है, ठीक है। अगर हम बात करें लीच और अर्थवॉर्म, ये दोनों ही बच्चों एनीलिडा, ठीक है, ये दोनों ही आपके एनीलिडा, एनीलिडा फाइलम से बिलोंग करते हैं। इस फाइलम में क्या होता है, तो बच्चों आपको याद रखना कि इनके बॉडी में ऐसे रिंग पाए जाते हैं, गोल गोल से ऐसे रिंग होते हैं, ठीक है, इनका इनके मतलब इनकी बॉडी शेप देख के आपको लगेगा कि ऐसे ऐसे जो है सेगमेंट में इनकी बॉडी क्या है, बटी हुई है, जैसे केंचुआ होता है ऐसे होता है गोल सा, ऐसे नहीं होता, जो बनाने दो, ऐसे मान लो कि ऐसे ही होता, ठीक है। इसके बॉडी पे देखना बच्चों, ऐसे ऐसे रिंग बनी होती है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कि ऐसे वाले जो जंतु होते हैं ज्यादातर हम कहाँ रखते हैं, उन्हें हम एनिलिडा फाइलम में रखते हैं, ठीक है। तो बताओ आपसे पूछा जा रहा है इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है, तो बच्चों यहाँ पर आपने क्या बताया है, स्किप कर दिया, अशी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फटाफट गूगल पे गए हैं, अभी अभी सर्च करके आते हैं एक सेकंड में, उसके बाद आंसर फेंक देंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन आपका सही जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर हम जोक की बात करें, ठीक है, अगर हम जोक की बात करें तो उसका जो है क्या हो जाएगा, उसका साइंटिफिक नेम है क्या, हिरुडिनेरिया। और अगर हम बात करें अर्थवॉर्म का तो आपको याद रखना फेरेटिमा, फेरेटिमा आपके किसका नाम है, आपके जो है अर्थवॉर्म का। अब हम बात करें अगर यहाँ पे आर्कनिडा, आर्कनिडा मैम किसका साइंटिफिक नेम है, तो अभी अभी लिख लो अपने नोट्स में, किसका, मकड़ी, मकड़ी जो है बच्चों उसका साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है क्या है, आर्कनिडा, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों लड़कियों का फेवरेट, ठीक है, पेरीप्लैनेटा, ठीक है मैम, ये क्या होता है, तो लड़कियों का फेवरेट यानी कॉकरोच, जो कॉकरोच होता है बच्चों वो उसका साइंटिफिक नेम आपका क्या होता है, पेरीप्लैनेटा, ठीक है। मस्का अगर हम बात करें किसका होता है मैम, तो जो आपके मुंह पे बैठती रहती है, कौन सी, घरेलू मक्खी, ठीक है,
तो बच्चों ये आपने याद रखना है, घरेलू मक्खी का साइंटिफिक नेम आपका है मस्का। सबका लिख लो, सबका लिख लो, ठीक है सबका लिख लो। हमें कौन ही पतो मैम जी, अरे आप पतो कर लो, अब तो लिख दियो, ठीक है जल्दी जल्दी लिख लो, ठीक है फटाफट लिख लो। यस फटाफट लिखेंगे, जल्दी से लिखो, लिख लिया, चलो आ जाइए। अब आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है आपसे कहा जा रहा है केंचुए के बारे में। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म क्या है, किसान का मित्र है, ठीक है और मुझे लग रहा है तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा तब से, केचुआ 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 तुम्हारा भी मित्र बन गया है, किसान का मित्र है। कहा जा रहा है कि भाई ये क्या है, ये बाइसेक्सुअल है और फार्मर्स फ्रेंड है। बिल्कुल ठीक बात है, मैंने ये चीज अभी तो लिखी है कि ये फार्मर्स फ्रेंड है, किसान का मित्र है। बाइसेक्सुअल का मतलब बच्चों कि जो क्या है, जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दोनों एक में ही है, ठीक है मतलब मम्मी का काम भी कर रहा है, पापा का काम भी कर रहा है। उसके बाद में हम बात करें बच्चों, क्या अभी अभी मैंने आपको केचुए के बारे में नहीं बताया कि इनका बॉडी पार्ट ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट में बटा होता है, ठीक है ये बात भी बिल्कुल सही है। कहा जा रहा है कि इनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है मेलाटोनिन नाम का, जिससे इनका कलर क्या होता है, ब्राउन होता है। नहीं बच्चों, मेलाटोनिन तो अभी मैंने कहा तुम्हें नींद लाता है, ये तो एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है मेलाटोनिन, और जो हमें नींद लाता है, ठीक है इस हार्मोन से हमें नींद आती है। लेकिन अगर हम बात करें कि मैम फिर इनका ब्राउन कलर किसके कारण होता है, तो आपने याद रखना पोरफायरम, ठीक है पोरफायरम ऐसे ही कुछ नाम है ना, ये एक पिगमेंट है जिसके कारण जो है, जिसके ये एक पिगमेंट है, एक वर्ण है जिसके कारण इनका क्या है, इनका रंग जो है भूरा है। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी लगाया है, क्या लगाया है तुमने, हाँ सी लगाया है, तुम तो बड़े तेज हो भाई, बड़े तेज हो। चलो चलिए ठीक है, तो यहां पर आपका सही ऑप्शन है सी, यस। चलो जी हाँ, पॉरफाइरिन होगा, ठीक है सही करेंगे, इसे क्या होगा पॉरफाइरिन, ओके ठीक है अभी ठीक है पॉरफाइरिन, ठीक है पॉरफाइरिन यहाँ पे आप इसको सही कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, अब देखो एक तो केंचुआ और कॉकरोच दोनों पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, कहा जा रहा है अब बताओ कॉकरोच के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। देखो जो है जिंदगी में तुम ये चाहते हो कि कॉकरोच और केंचुआ भाई ना आए, है ना, लेकिन याद रखना एग्जाम में जरूर आएंगे, जिंदगी में बेशक ना आए लेकिन एग्जाम में जरूर आएंगे। तो देखो कॉकरोच से कितने सारे क्वेश्चन तो बता रखे हैं, ठीक है 13 चैम्बर होते हैं और आपका ऑर्थोपोडा, ठीक है ऑर्थोपोडा आपका जो क्या है, ऑर्थ्रोपोडा जो आपका फाइलम वहां से पाया जाता है, ठीक है और क्या बताया है कि भाई ये क्या है, ये आपका जो है रात्रि चर होता है, बिल्कुल रात में ही घूमता रहता है किचन में, ठीक है। साइंटिफिक नेम अभी अभी बताया है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पेरी प्लेटना इसका क्या है साइंटिफिक नेम है, अभी अभी बताया है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि इसका ब्लड क्या होता है, तो कितनी बार बता रखा कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, क्या ये बात मैंने नहीं बता रखा, और यहाँ कहा जा रहा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि 100 बार बता रखा है ये बात कि भाई जो कॉकरोच है, कॉकरोच के अंदर क्या पाया जाता है, इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यस। तो इसीलिए ये आपका डी वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है डी वाला ऑप्शन आपका गलत है, पहला और दूसरा आपका सही है, ठीक है। तो क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, तो पहला और दूसरा सही है, बी ऑप्शन आपका सही जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड इज राइट, ठीक है बी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा, यस ठीक है जी। नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा, अब मेंढक एक देखो तुम्हारी जिंदगी में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, पहले आया कॉकरोच फिर केंचुआ और अब कौन सा आ गया, मेंढक आ गया। पूछा जा रहा मेंढक के बारे में कौन सा जो है स्टेटमेंट है जो गलत है, बताओ भाई मेंढक की बात कर लेते हैं, तो कितनी बार बताया है मेंढक कहाँ आता है, एम्फीबियन, ठीक है कहाँ आता है, एम्फीबियन में आता है, एम्फीबियन में आता है बच्चों। एम्फीबियन का मतलब है उभयचर, उभयचर का मतलब है कि ये लैंड पे भी रहेगा वाटर पे भी रहेगा। तो और ये क्या है, इसका ब्लड कितनी बार बताया बच्चों, क्या है ये कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है ये क्या है आपका
कोल्ड ब्लडेड है, कहने का मतलब बच्चों कि ये क्या है, इसका जो खून है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, गर्मी है बाहर तो गर्म हो जाएगा खून, ठंड है बाहर तो इनका खून ठंड हो जाएगा, हमारे जैसा नहीं होता है। ओके, उसके बाद में बच्चों अगर हम बात करें, कह रहा है कि जो रेस्पिरेशन है वो इनका जो है गिल्स द्वारा होता है। बिल्कुल बच्चों, जब ये क्या होते हैं, जब ये टेडपोड होते हैं, क्या कहा जाता है, जो मेंढक के बच्चे होते हैं उन्हें टेडपोड ही तो कहा जाता है ना, उनकी भी ऐसे पूंछ होती है। तो देखो जब मेंढक बच्चा होता है ना तो ये सांस गिल्स से लेगा, ध्यान से सुनना, जो आपका फ्रॉग बेबी है ठीक है वो ऐसे गिल्स से लेगा सांस, और जब मेंढक बड़ा हो जाएगा बच्चों तो वो लंग्स से लेगा, किससे, लंग्स से। लेकिन अगर मेंढक बड़ा होके पानी में गया तो किससे लेगा, तो स्किन से लेगा। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका सही है ठीक है। लेकिन यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि इनके जो है इन दिस हार्ट इज नॉट अ वेंट्रिकल, कहा जा रहा है कि जो है आपके मेंढक के हार्ट में वेंट्रिकल नहीं पाया जाता है। मेंढक का हार्ट बनाऊं तो ऐसे बनेगा, कितनी बार बनाया है, हमारा बनाते तो 4 चैम्बर करते हैं, इनमें 3 चैम्बर करेंगे, दो आपके क्या होते हैं, दो आपके बच्चों क्या होते हैं, ओरिकल होते हैं, और एक आपका, ठीक है मेंढक का है ना, मेंढक का बनाने दो, एक आपका क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। तो एक वेंट्रिकल होता है, ये कह रहा है एक भी वेंट्रिकल नहीं पाया जाता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, तो सही कौन सा है, पहला और दूसरा, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जाएगा, यस ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जाएगा। ठीक है, देखो ये रहा मेंढक का दिल, ये आपका राइट ऑरिकल, अरे रुक जाओ, ये आपका लेफ्ट ऑरिकल, और देखो नीचे आपका एक ये वेंट्रिकल है। लेकिन कहा गया था, अभी यहाँ पे लिखा था कि ये जो है हार्ट इज नॉट अ वेंट्रिकल, इसलिए ये गलत है भाई, इनमें एक निलय पाया जाता है, एक निलय इनके अंदर पाया जाता है, यस ठीक है। चलिए ठीक है जी, एक निलय इनके अंदर पाया जाता है, ये बात आपको ओके। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, अब बताओ भाई, किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। हाँ जी, जो कोबरा है वो अपना घोंसला बना रहा है, क्यों बना रहा है बताओ, कोबरा अपना घोंसला बनाता है क्यों बनाता है, ये आपसे पूछा गया है, बताइए कोबरा अपना घोंसला बनाता है किस लिए बनाता है, कि भाई वो एक क्या है जो दूसरे सांप है उनको आकर्षित कर पाए इसलिए बनाता है। ठीक है, या पूछा जा रहा है कि बच्चों ये संतान को जन्म देने के लिए बनाता है, या इसलिए बनाता है कि ये जो है अंडे देता है, और क्या करता है, अपने अंडों अंडे को घोंसले में जो है उसे उस जो है घोंसले में सुरक्षित रखने के लिए इसलिए बनाता है, या बच्चों ये बहुत बड़ा है और अपना खुद रहने के लिए बनाता है, किस लिए आपका जो कोबरा है वो घोंसला बनाता है, बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए सी ऑप्शन, हाँ बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा बच्चों, जो कोबरा है वो ओविपोरस है, कहने का मतलब ये अंडे देता है। ठीक है, कोबरा आपका अंडे देता है, और इस अंडे की जो है सुरक्षा के लिए, इसकी प्रोटेक्शन के लिए तो क्या करता है, एक घोंसला बना देता है और इसी में अंडे को रखता है। अगर हम बात करें कि एक टाइम में कितने अंडे दे देगा, कोई मुझे बता सकता है कि कोबरा एट द टाइम, ठीक है, कहने का मतलब एक टाइम पर, ठीक है, कितने अंडे देगा। हाँ जी, जो कोबरा है वो एक टाइम पर कितने अंडे देगा, जल्दी से बताएंगे, कोबरा एक टाइम पर कितने अंडे देगा, बताओ, कोई है प्राणी जो बताएगा, चलो ये क्या है मनीषा, क्या भेजा है ये, किसके लिए भेजा है, हाँ बिल्कुल ठीक है, एक टाइम पे ये 20 से 40 अंडे देता है, बिल्कुल ठीक बात है। ओके चलिए, हाँ हाँ अरे फीमेल कोबरा भाई, चलो आ जाओ तुम तो दिल पे ही ले जाते हो, कौन सा सीधे बच्चे पैदा करके ना करके अंडे दे रहा है, इनमें से बताओ कौन सा है बच्चों, जो आपका क्या है, जो आपका ओबी पोरस है, कहने का मतलब बेबी पोरस नहीं है, अंडे देगा, बताइए कौन सा है जो बच्चे नहीं देगा अंडे देगा, बताएंगे जल्दी से, कंगारू या आपका एक्निडा या आपका सही या आपका वेल, कौन सा है जल्दी से। जल्दी जल्दी चलिए, विक्रम ने अपने जो है बहुत दूर दिमाग से बताया है कंगारू, चलो ठीक है,
ठीक है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्या ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे आपका एक्निडा आपका सही आंसर आएगा बच्चों। ये एक जो है एक तरीके का चूहा होता है, ठीक है, तो ये अंडे देता है। कंगारू बच्चों आपको याद रखना बच्चे ही देता है, और अपने बच्चे को इस पाउच में रखता है जब तक ये बच्चा बड़ा होके मेच्योर नहीं हो जाए। कोई मुझे बताएगा इस पाउच का नाम क्या होता है, ठीक है, इस पाउच का नाम आप जो है कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जिसमें अपने बेबी को रखता है, ठीक है। कंगारू जिस पाउच में अपने बेबी को रखता है उसका आप जो है क्या करेंगे बाद में बताते रहेंगे। चलो आपसे कहा जा रहा है जो आपकी छोटी आंत में, ठीक है, क्या होता है छोटी आंत में बच्चों आपके कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, सीधा आपसे यही पूछा जा रहा है, ठीक है। शल्की वाले या आपके क्यूबॉइड या आपके कॉलमनर या आपके लेयर्ड स्केल्स, बताएंगे जल्दी से कौन सा है आपकी छोटी स्मॉल इंस्टेंटाइन में, ठीक है। स्मॉल इंस्टेंटाइन इस तरीके से स्ट्रक्चर है इसका, स्मॉल इंस्टेंटाइन का, तो इसमें आपसे अगर हम बात करें तो बताओ भाई इसमें किस तरीके का आपसे पूछा जा रहा है टिश्यू पाया जाएगा। तो बच्चों आपसे कितनी बार बताया था कि छोटी आंत में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ऐसे ही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें खाने का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो कंप्लीट डाइजेशन आपके स्मॉल इंस्टेंटाइन में होगा, और डाइजेशन होने के बाद यहाँ से न्यूट्रिशन लेने के लिए इस तरीके से स्ट्रक्चर आपकी कहाँ पाई जाती है, आपकी छोटी आंत में पाई जाती है, जिसे विलाई कहते हैं बच्चों। और इसी ये स्ट्रक्चर किससे बनी होती है, तो देखो ये स्ट्रक्चर कैसी है, खंभे जैसी है, ठीक है। तो ये खंभे नुमाकार एक आपकी जो है एक टिश्यू होता है, ठीक है, किसका, एपिथेलियल का टाइप होता है, जिससे आपका क्या बना होता है छोटी आंत बनी होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जाएगा। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद बताना होगा, ठीक है। चलो ये दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, इसके बारे में आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए क्लास इतनी ही रखेंगे, चलो 100 लाइक हो जाना चाहिए, 5 लाइक और करो भाई, मुझे लगता है 100 लाइक हो जाना चाहिए, 100 लाइक तो आ जाना चाहिए। चलिए तो सभी बच्चे जो है अपना ध्यान रखेंगे, अब हम मिलेंगे, यस चलो ओके। चलिए तो अब हम मिलेंगे आपसे, देखो अगर होगी क्लास शायद, मैं देखो श्योर नहीं हूँ कल की क्लास के लिए, पर होगी तो 5 बजे ही होगी, ठीक है, 5 बजे आ जाना, एक बार चेक कर लेना, नोटिफिकेशन आ गई तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। चलो तो अपना ध्यान रखो, चलो बाय बाय, चेक कर।